अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम हो गया है सद्दाम यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि भाई हमने फर्स्ट डोज लगवा लिया है, सेकेंड डोज हम कब से लगवा सकते हैं। क्योंकि हर वीडियो में कमेंट आता है कि हम घर जाने वाले हैं, हमने फर्स्ट डोज लगवा लिया, सेकेंड डोज का टाइम भी एक्सपायर हो चुका है, तो हम कैसे सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट दिया गया था, जब तक फर्स्ट डोज सबको नहीं लग जाता जब तक सेकेंड डोज वाले को टाइम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को टाइम दिया गया था उन लोगों का टाइम कैंसिल कर दिया गया, उन लोगों को अभी तक टाइम नहीं मिला है। तो मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। सऊदी अरबिया में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की आबादी है पूरा मिलाकर। उसके बाद अभी तक 80 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कब तक पूरा लगेगा, उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी रहता है, अगर फर्स्ट डोज लगवा लिए सेकेंड डोज टाइम पे नहीं लगवाएंगे तो क्या वो असर करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वजारत सेहत की तरफ से ये अपडेट आया था, ट्वीट करके बताया गया था, जो लोग भी फर्स्ट डोज लगवा लिए और सेकेंड डोज का टाइम कैंसिल हो गया है, अगर उन लोगों का वैक्सीन लेट भी लगता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका दूसरा वैक्सीन लेट भी लगता है तो आप लोग टेंशन न लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि हम अगर टाइम पे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे दूसरा तो हमारा जो डोज है वो मुकम्मल नहीं होगा, फिर से हमको वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को कभी न कभी दूसरा वैक्सीन लगाया जाएगा, बस उस पर ही रोक दिया जाएगा, तीसरा वैक्सीन नहीं लग सकता है। आप लोगों के लिए डिटेल है। तो आने वाले टाइम में जब तक पूरे इंसान को सऊदी अरबिया में नहीं लग जाता, जब तक दोबारा वैक्सीन का डोज है उन लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग वेट करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सवालों का जवाब मिल चुका है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।